हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ संजय क्लासेस। आज का हम जो वीडियो हिंदी व्यूअर और इंग्लिश व्यूअर को देखते हुए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। टुडे आई विल टीच सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। एवरी लैंग्वेज में सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे एक प्रॉपर मीनिंग निकलती हो। तो लेट डेफिनेशन रीड करते हैं। यहां पर व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अवर थॉट वी यूज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स सेंस इज कॉल अ सेंटेंस। जब भी हम अपने थॉट को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड रहता है उससे हमको क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रहता है उसे एक प्रॉपर सेंस होता है, उसी को अपन क्या कॉल करते हैं, सेंटेंस कॉल करते हैं। अब हिंदी सेंटेंस की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले इसमें क्या आता है, कर्ता आता है, डेट इज जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर कर्म आता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड देन क्या आता है आपका, क्रिया आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पहला क्या आता है आपका, कर्ता डेट इज सब्जेक्ट आता है। फिर क्रिया डेट इज वर्ब आता है। एंड देन कर्म डेट इज ऑब्जेक्ट आता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज की और इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है, चेंजेस देखने के लिए मिलती है। चलिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल हिंदी सेंटेंस, राम दूध पीता है। तो देखिए पहले यहां पर क्या है आपका, पहले क्या है आपका, देखिए सब्जेक्ट है, देन आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड देन आपका क्या है, क्रिया है, डेट इज वर्ब है। अब इंग्लिश में यदि इसको चेंज करते हैं, राम ड्रिंक्स मिल्क। फर्स्टली आपका सब्जेक्ट आया, सेकंड आपका वर्ब आया, एंड देन आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अब कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने क्या किया, नीचे में क्या किया, डिस्कस किया है, उसको अपन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, राम एक लड़का है। देन इंग्लिश में यदि चेंज करते हैं, राम इज अ बॉय। देन इसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वॉटर। वह पत्र लिखता है, ही राइट अ लेटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी सेंटेंस में ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है कि यहां पर जो हिंदी सेंटेंस है, यहां पर सब्जेक्ट पहले आता है, फिर देन ऑब्जेक्ट आता है, देन लास्ट में क्या होता है, वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की बात की जाए तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब मेनली आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स के वर्ब होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रियाएं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है, सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, एंड ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखिए यहां पर आपका, राम अच्छा है, राम इज गुड। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माय बुक। देन सेंटेंस विथ मेन वर्ब, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या क्या आता है, मेन वर्ब यूज किया जाता है। वर्ब के बारे में मैं एक आपको वीडियो क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, और दैट इज उसमें एक्सप्लेनेटिव वे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेंटेंस विथ मेन वर्ब, तो डेट इज जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होता है वहां पर क्या एप्लीकेबल होता है आपका, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, टेंस आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम मेन वर्ब रखते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखिए यहां पर, तुम दौड़ते हो, यू रन। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन करने की रिक्वायरमेंट है कि यहां पर आपका जो सेंटेंस है उसमें क्या किया गया है, मेन वर्ब क्या किया गया है, यूज किया गया है, और साथ ही साथ क्या किया गया है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया गया है।
इफ डू लाइक दिस वीडियो राइट इन कमेंट सेक्शन ओके। और इसी तरीके से यदि आपको इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।